नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जी दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आखिरकार कितने विधायकों का समर्थन बीजेपी को एनसीपी का मिला है, ये बड़ा सवाल है। और बात करेंगे क्या शरद पवार भी इस खेल में शामिल है या नहीं, ये बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वही अजित पवार जो डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण इनकी हो चुकी है, तो रातों रात पूरा खेल बदल चुका है। कल हम बात कर रहे थे कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल था, लेकिन रातों रात ये खेल बदल चुका है। राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी, ये बड़ी खबर यहाँ पर महाराष्ट्र निकल कर आ रही है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि शरद पवार की सहमति से अजित पवार ने ये फैसला लिया। ऐसी खबर है कि अजित पवार ने ऐसा कहा है कि शरद पवार भी इसमें सम्मिलित थे, लेकिन शरद पवार का साफ तौर कहना है कि वो इनसे बेखबर हैं, बिल्कुल उन्हें किसी प्रकार की भनक तक नहीं लगी कि आखिर पर्दे के पीछे क्या राजनीति यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या शरद पवार की एनसीपी टूट चुकी है, क्योंकि दो दलों में अब एनसीपी बढ़ चुकी है और एक तरफ शरद पवार तो एक तरफ अजित पवार, दोनों चाचा भतीजे की जो पार्टी है वो अब अलग अलग गुटों में बढ़ चुकी है। एक दल बीजेपी के साथ तो एक यहाँ पर कांग्रेस के साथ है, तो क्या चाचा और भतीजे में बड़ी फूट यहाँ पर है, ये कई ऐसे सवाल निकल कर आ रहे। क्या अजित पवार ने बगावत की है एनसीपी के साथ, ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस अब शुरू हो चुकी है। क्या शिवसेना के विधायक भी बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी को कितने विधायकों का समर्थन मिला है। आगे आपको दिखाएंगे पूरा क्या है यहाँ पर समीकरण। तो बहुमत का आंकड़ा 145 है, लेकिन आपको पता होगा 24 अक्टूबर को जो नतीजे आए किसी को पूर्ण बहुमत यहाँ पर नहीं मिला। अब जो बड़ी खबर है कि बीजेपी ने एनसीपी की मदद से सरकार बना ली है और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी हो चुकी है, लेकिन सवाल वही कि आखिर कितने विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिला है। तो अभी जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि अजित पवार के साथ 22 विधायक हैं, तो 127 विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास होता है अभी भी बहुमत से। तो 18 विधायक कौन से होंगे, क्या जो निर्दलीय उनकी मदद भी यहां पर बीजेपी लेगी, या फिर एनसीपी के ही पूरे विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर अभी अभी निकल कर आई है कि बीजेपी के पास अब जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है और अजित पवार के पास जो है 35 विधायकों का समर्थन है और अब जो आंकड़ा है वो 140 हो जाता है, लेकिन अभी भी 5 विधायक कम है। तो ऐसे में 5 विधायक क्या निर्दलीय होंगे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर शुक्रवार की रात तक हमने देखा कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना की जो मीटिंगें की गई, उन मीटिंग में यहाँ पर उद्धव ठाकरे का नाम सीएम पद के रूप में सामने आया, लेकिन रातों रात पूरा खेल बदल गया, रातों रात पूरा जो है खेल का पलड़ा जो है बीजेपी के पक्ष में चला गया, शासन हटा और सुबह करीबन 8 बजे बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर राज्यपाल से मिलकर शपथ ग्रहण की। ये काफी कुछ घटा है रातों रात। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने जो किया है वो कितना सही है नहीं, और एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन बन रहा था वो कितना सही था, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।